सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली एमिवे बंटाई और कृष्णा के बीच में जो डिस गेम चल रहा है, उसमें कृष्णा की तरफ से एमिवे बंटाई के लिए एक और डिस्ट्रैक्ट आ रहा है। एमिवे बंटाई ने लास्ट संडे को अपना डिस्ट्रैक्ट सीधा टेक ओवर रिलीज किया था, और इतने में कृष्णा ने एमिवे बंटाई की सीधा टेक ओवर का रिप्लाई भी रेडी कर लिया है। तो एमिवे बंटाई और कृष्णा के बीच में ये जो डिस गेम चल रहा है, उसके रिलेटेड एक और धमाकेदार न्यूज आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहो। तो बेसिकली जिन लोगों को एमिवे बंटाई और कृष्णा के बीच में ये डिस गेम के बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों को पहले शॉर्ट में मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो अभी रिसेंटली कृष्णा ने एमिवे बंटाई के लिए एक डिस्ट्रैक निकाला जिसका नाम था फ्रीबर्स फिस्ट लंगर, और इस ट्रैक का म्यूजिक प्रोड्यूस किया रफ्तार ने। इस ट्रैक के रिलीज होने के बाद एमिवे बंटाई ने लास्ट संडे को एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया जिसका नाम था सीधा टेक ओवर, और इस ट्रैक के साथ एमिवे बंटाई ने बहुत ही स्मार्ट खेल खेला। और बेसिकली इस ट्रैक के थ्रू एमिवे बंटाई ने कृष्णा को ज्यादा अटेंशन दिया ही नहीं, क्योंकि एमिवे बंटाई को इस बार मालूम था कि वो अगर कृष्णा को डायरेक्ट डिस करते हैं तो पूरा अटेंशन कृष्णा की तरफ चला जाएगा, और इस बार की इस डिस गेम से एमिवे बंटाई को ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन वो अगर कृष्णा को डायरेक्ट डिस करते हैं तो इससे कृष्णा को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जैसा कि एमिवे बंटाई को रफ्तार वाले डिस गेम में हुआ था। और इसीलिए एमिवे बंटाई ने बहुत कैजुअली सीधा टेक ओवर को रिलीज किया। एमिवे बंटाई ने बहुत ही स्मार्टली खेला, एक तरफ से एमिवे ने कृष्णा और रफ्तार को डिस भी किया और दूसरी तरफ कृष्णा को ज्यादा अटेंशन भी नहीं दिया। लेकिन एमिवे बंटाई की सीधा टेक ओवर रिलीज होने के बाद से कृष्णा ने एमिवे बंटाई को काफी ज्यादा ट्रोल किया, और उस टाइम से ही मुझे लग रहा था कृष्णा बहुत ही जल्द एमिवे बंटाई की सीधा टेक ओवर का रिप्लाई देने वाले है। तो बेसिकली वही चीज हुआ, और कृष्णा ने एमिवे बंटाई के लिए एक और ऑफिशियल डिस्ट्रैक का अनाउंसमेंट आज कर दिया है। तो म्यूजिक वीडियो का एक पोस्टर भी आज रिलीज हुआ है, और इसका नाम रखा गया है सीधा मेकओवर, और ये म्यूजिक वीडियो सोमवार 16 सितंबर को रिलीज होने वाला है। लेकिन मुझे एक डाउट लग रहा था कि कृष्णा अगर इस बार फिर से डिस्ट्रैक निकालेंगे तो उसमें वो किस चीज का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि कृष्णा ने जो फर्स्ट ट्रैक निकाला जो था फ्रीवर्स फिस्ट लंगर, उसमें कृष्णा ने लिरिकली बहुत हेवी रिप्लाई किया था एमिवे बंटाई को, और कृष्णा ने शायद सोचा भी था कि एमिवे बंटाई उस डिस्ट्रैक का एक हार्डकोर रिप्लाई देने वाले है। लेकिन एमिवे बंटाई बहुत ही स्मार्टली कृष्णा को इग्नोर करते हुए निकल गए। तो मुझे जितना लगता है इस बार कृष्णा एमिवे बंटाई को बहुत ही हार्डकोर ट्रोल करने वाले है, क्योंकि ट्रैक की टाइटल सुन के कुछ ऐसा ही लग रहा है, और कृष्णा की लास्ट ट्रैक की तरह हो सकता है इस ट्रैक में भी म्यूजिक रफ्तार ने ही दिया हो, और इसकी चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और इस बार मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इस ट्रैक के बाद एमिवे बंटाई की तरफ से कृष्णा के लिए एक हार्डकोर डिस्ट्रैक आने वाला है। तो आप अगर एमिवे बंटाई, कृष्णा और रफ्तार में से किसी का फैन हो तो कॉमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार का कृष्णा का ये डिस्ट्रैक कैसा होने वाला है। और ये भी कॉमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है एमिवे बंटाई को कृष्णा के इस बार की डिस्ट्रैक का रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर आप इस डिस गेम के ऊपर मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर डिसएग्री करते हो तो भी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इन केस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर कोई क्वेरी या फिर कोई इश्यूज है उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।